सर्कुलर जियो बोर्ड है, इससे हम लोग ब्रीथ के बारे में सारे परिचित हो गए हैं कि ब्रीथ का केंद्र है ये, खून की सहायता से जो दिखाया गया है ये क्या है, ब्रीथ का परिधि, ये ब्रीथ का व्यास है, ठीक है ना। व्यास क्या होता है, ब्रीथ का सबसे बड़ी सीमा व्यास कहलाती है, इतना तो हम लोग सब जानते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा थ्योरम है कि व्यास पर का कोण, व्यास से परिधि पर का कोण समकोण होता है, ये प्रूफ होना करना है हमको। तो देखो ये व्यास है, इस पर से हम कोण बना रहे हैं, ये जो कोण बना ये कितने डिग्री का होगा, 90 होता ही है। हम लोग नाप कर देखेंगे तो ये चांद की सहायता से भी नाप सकते हैं और पेपर की सहायता से भी नापेंगे, अभी हम लोग दिखाएंगे। पहले हम लोग चांद की सहायता से इसको नापते हैं, तो देखो यहाँ पर ऐसे रखते हैं तो पूरा 90 डिग्री दिखा रहा है। तो व्यास से परिधि पर का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। चाहे कोण का शेप हम बदल भी देंगे फिर भी वही होगा, अभी यहाँ नहीं लेके हम इस तरह का कोण बनाएंगे। देखो यहाँ ये व्यास पर का कोण, कल सभी बच्चे को स्कूल आना है तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सर्कुलर सर्कुलर बोर्ड पर ये हमारा जो वृत्त है ये उनकी सहायता से जो हम परिधि दिखा रहे हैं, तो इस पर हम किसी भी शेप का अगर कोण बनाते हैं व्यास से, तो इसका जो मान होगा वो तो कितना होगा, 90 डिग्री, यही प्रमाणित करना है। अब इस तरह का बनाए, चाहे व्यास से परिधि पर तो बहुत तरह का कोण बनेगा ना, यहाँ से नहीं लेके हम यहाँ से लेंगे, ये भी जो कोण बना ये व्यास पर का कोण है, पर व्यास से परिधि पर का कोण, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। इसको हम लोग चांद की सहायता से नाप लेंगे या फिर हम लोग पेपर की सहायता से नाप लेंगे। हम लोग अभी पढ़े हैं ना कि एक सरल रेखा का कितना कोण होता है, 180 डिग्री, तो उसको आधा कर देंगे तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, कितना कोण है, 90 डिग्री है। देख लो यहाँ से नाप के, नब्बे डिग्री हो रहा, इसको भी नाप के देख लो, तो कहने का मतलब कि यहाँ देखो बोर्ड पर एक वृत्त है, उसका एक केंद्र है, एक व्यास है, इस पर परिधि पर का कोण ये वाला हुआ। अगर हम दूसरा बनाए तो परिधि पर का कोण ये हुआ, या इस तरह का भी बन सकता है, इस व्यास पर से परिधि पर का कोण, तो सब का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देख लो ये कितने का कोण है, 90 डिग्री, यहाँ देखो है, कैसा भी शेप होगा पूरा ये 90 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। तो व्यास पर से परिधि पर का कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, मतलब एक समकोण, ठीक है।